अभी अभी जब अनिमेश बापट आने वाला है प्राजक्ता का रिश्ता लेकर, तभी मुझे गायत्री का विचार आ रहा है। पहले नहीं आ सकता था क्या मेरे मन में ये विचार? अरे लेकिन पहले मुझे लगा कि महेंद्र भाऊ नाराज हो जाएंगे अगर मैंने गायत्री को अपने घर की बहू बनाने के बारे में बात की तो। तो अभी क्या फूलों का हार पहना कर स्वागत करेंगे वो तेरा? हाँ अन्ना, तू है ना एक नंबर का अन्नाड़ी है, अन्नाड़ी है कि नहीं बोलो। हाँ हाँ, तो अभी क्या करे? अभी वक्त है महेंद्र, एक बार अनिमेश बापट आ गया, प्राजक्ता से बात तय हो गई, फिर कुछ नहीं होगा। अरे हो सकता है अन्ना भाई अभिषेक और गायत्री के रिश्ते के लिए हाँ बोल दे और अभिषेक के मन में जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। और हाँ, अगर नहीं माने अन्ना भाई तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगा। अरे भाई गुनाह थोड़ी किया है अभिषेक का रिश्ता मांगकर। हाँ अगर नहीं माने नाराज हो गए तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगा। नहीं नहीं, सॉरी अंग्रेजी शब्द है, क्षमा करना ऐसा बोल दूंगा। अपराध थोड़ी न किया है गायत्री का हाथ मांगकर। बात में से बात निकाल के जानने की कोशिश करता हूँ कि अन्ना भाई इस रिश्ते को लेकर नाराज हो रहे हैं या नहीं। बात में से बात निकाल के जानने की कोशिश करता हूँ कि रिश्ते की बात सुनकर महेंद्र भाऊ नाराज हो रहे हैं या नहीं। जवाब मिला? नहीं, मैं ही आइलैंड से भाग गया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो उसके नाते एक मशवरा दूं? सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो। तब तो बहुत झमेला होगा, क्योंकि कल रात को अनिमेश अंकल ने हम दोनों को एक साथ देख लिया पार्क में और वो आज प्राजक्ता के साथ आ रहे हैं। तो तुमने बताया नहीं अंकल को कि? फिर मुझे अन्ना पूछते कि क्यों गया था वहां पे, और मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ता। मैं अन्ना से और झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर बता दो सब कुछ अभिषेक, क्योंकि हमारे बीच जो भी है या नहीं है उन्हें किसी और से पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें। अरे महेंद्र भाई, मैं क्या कह रहा था बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। नहीं नहीं, पहले आप बोलिए ना। अरे नहीं नहीं, आप छोटे हैं मुझसे, तो आप बोलिए। अन्ना भाई, दरअसल मेरी बेटी गायत्री अप्रतिम लड़की है। हमारे पूरे समाज में ऐसी गुणी लड़की कोई होगी ही नहीं। अभी मैंने इनको इशारा तो दिया, काश वो इशारा ये समझे। चलो शुरुआत तो अच्छी हुई, काश अन्ना भाई मेरी बात समझे। है ना अन्ना भाई? क्या है ना कि मेरी बेटी गायत्री के लिए अमेरिका से एक लड़के का रिश्ता आया है। अमेरिका? हुआ हुआ, देखा, मुझे पता था ये विदेशी बड़ा घर ही ढूंढेंगे अपनी बेटी गायत्री के लिए। अच्छा हुआ बाबा मैंने बात बोली नहीं पहले। क्या क्या अमेरिका का क्या क्या कह रहे थे? वैसे मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ, ये शादी इधर ही रखना है गायत्री की। हाँ? क्या है ना, वो अमेरिका तो हवाई जहाज से जाना पड़ता है, और वहां पर हवाई जहाज में मैंने सुना है घर का खाना लेके नहीं जा सकते, वो लोग बेचते हैं ऐसे करके, और उन लोगों के पास से ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि क्या है अभी गायत्री तो अमेरिका। अरे नहीं नहीं अन्ना भाई, शादी अभी तक पक्की नहीं हुई है अन्ना भाई, और गायत्री ने तो लड़का देखा भी नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से गायत्री पूना छोड़ के कभी जाएगी ही नहीं। अच्छा, क्योंकि क्या है ना कि क्या 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 है? संभाल के बात करना महेंद्र, कहीं बात बिगड़ ना जाए। क्योंकि क्या है ना अन्ना भाई, गायत्री को दरअसल आपका बोल दे बिंदास महेंद्र, बोल दे अभी नहीं तो कभी नहीं, बोल महेंद्र बोल अभी, आपका अभी अभी। एक मिनट, हेलो, हाँ अभिषेक, अच्छा जो थे ना, हाँ बोलो बोलो। अरे मैं तो निकल गया हूँ मंदिर के लिए। हाँ हाँ, वो अभी मैं, किसने बोला कि इधर ही उकर के? अरे वो उज्ज्वला बिज्वला
नहीं, मैं निकल रहा हूँ, मैं आता हूँ जल्दी से। अरे मुझे मालूम है महेंद्र भाऊ, अभी मुझे थोड़ा मंदिर जाना है, वो अनिमेश बापट आने वाले है ना प्राजक्ता को लेकर के, तो ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, है ना। वैसे भी कोई फायदा तो है नहीं। क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो और आप भी तो आ रहे हैं ना वहाँ हमारे घर पे, तो क्या है ना अभिषेक और प्राजक्ता के रिश्ते की बात पक्की हो जाए, उसके बाद में खाना खाते खाते हम गायत्री और वो अमेरिका वाला लड़के की बात भी कर लेंगे पूरी, है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ, काश अमेरिकन लड़के की जगह मेरे अभिषेक के साथ रिश्ते की बात करते महेंद्र भाऊ। काश प्राजक्ता की जगह मेरी गायत्री के साथ रिश्ते की बात करते अन्ना भाई। राम राम। राम राम। भारती, अरे ये हमारे सामने रिहर्सल में इतनी गलतियां कर रही है, मेहमानों के सामने कितनी गलतियां करेगी तू? कोई नहीं, एक बार फिर से समझाती हूँ। आई जो है वो अन्ना है और केशव अनिमेश भाऊ, समझ गई? बसु। हाँ बरा बरा, जाब अंदर जा। बरा बरा। हाँ भारती, चाय नाश्ता वाश्ता लेके आओ। अन्ना चाय। हाँ थैंक यू। भारती। हाँ सब बरोबर है ना? हाँ अन्ना, आपके कप में कचरा भी नहीं गिरा है। तुम मेरे कप में गिरा है? नहीं नहीं अनिमेश भाऊ, आपके कप में कचरा नहीं गिरा है। तो फिर क्या गिरा है? अन्ना मैं भूल गई। देखो इसे कुछ कैसे सिखाए हम, हा? कप में कुछ गिरे ही क्यों? चाय तो गिरानी पड़ेगी ना कप में, नहीं तो आप पिएंगे क्या? अभी याद आया, चाय गिरी आप दोनों के कप में। भारती मेरी मीठी भारती, माना के चाय में तो तुम्हें मिलाना चाहिए चीनी की जगह, पर ये भी कोई बात है, चाय के कप में तो चाय ही गिरेगी ना। बराबर, मैं फिर से आती हूँ। हाँ जा। हाँ भारती, चाय नाश्ता वास्ता लेके आ जाओ। आई आई, अन्ना कहाँ है? इधर है तो सही। वहनी ये आई है। अगो भाई रोल बदल गया क्या? ओ भारती वहनी, भारती वहनी आप अंदर जाओ, अभिषेक जाए उसके बाद आ रहा, ठीक है जाओ। बराबर रोल। कमाल, भारती वहनी को लगा कि अभिषेक भी पार्टिसिपेट कर रहा है ये रिहर्सल में। अरे अभिषेक, अन्ना तो मंदिर गए। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, मैं आता हूँ। हाँ बाय। आई चाय। अरे ये अन्ना है वहनी। हाँ। मैंने समझा था ना आपको, फिर से भूल गई। अभी मैंने वही बोला अभिषेक को, लेकिन वो बोला कि ये आई है, अभी आप फिर बोल रहे हैं कि ये अन्ना है। मैं करूँ तो क्या करूँ? देख परमेश्वरा, मैंने तुझसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, मंजी पिछले 2-3 महीने में कुछ नहीं मांगा, लेकिन अभी समय आ गया है तो मैं जो मांगू वो मुझे दे देना। अरे नहीं नहीं घबराओ मत, इतनी भी मुश्किल चीजें नहीं मांगूंगा मैं कि मेरी बाकरवड़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले या फिर प्रभाकर को सद्बुद्धि मिले और गाना लिखना बंद कर दे। अन्ना साहेब, हरि भगवान, आप क्या मुझे साहेब कह के बुलाते हैं? आप ही बोले ना। मेरी बात सुनिए, मैं सहस्त्र बुद्धे। बताओ ना मैं क्या करूं? अरे जाने दे, ये सब कैंसल। हाँ ये निर्मिति है ना, अब वो अन्ना है, तू बस अब निर्मिति अन्ना है, समझ गई तू? मैं अनिमेश हूं। बराबर, अब आ जा तू। आई आई
हाँ? अन्ना कौन से मंदिर गए? अन्ना तो ये रहे अभिषेक। वहिनी, ये निर्मिति वहिनी है? नहीं नहीं, ये अन्ना है। अरे गप्पा मसा। भारती वहिनी, आप भारती वहिनी हो बरोबर? अभी आप अंदर जाओ, ये अभिषेक जाएगा ना, बाद में बुलाएंगे। बरोबर। बार बार विश्वा की कंफ्यूज कर रहा है। अन्ना कौन से मंदिर गए? अरे अन्ना शिव मंदिर गए, तू जाना वहाँ पे। हाँ, हाँ, आता। अगर तू ये ना आता, आ जा। आप में से जो भी अन्ना है चाय ले लीजिए। जो होगा सो देखा जाएगा, अभी अन्ना ही अन्ना है। बराबर। और मैं कौन हूँ? वो मेरे छोटे भाऊ है, बोला था ना मैंने, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हमारी कुंडलियों के बीच में क्या घर्षण बिरसण हो रहा है उसके बारे में। अरे पर मैं फ्री में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। फ्री में? मुफ्त में? हाँ। अच्छा तो आई, आप मेरे साथ में आइए। भगवान जा रहा, दो मिनट। हाँ आई 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 आइए आइए, आप मेरे साथ में आइए। ये देखो, ये बेचारा भीख मांग रहा है, उसका भविष्य बताओ मुफ्त में। भविष्य नहीं, खाना चाहिए। 100 रुपए दे दे बाबा। 100 रुपए? हाँ, इतना भाव बढ़ गया क्या तुम लोगों का? बिल भी दिया करो फिर। हाँ, और फिर रिसीट भी देना। 100 रुपए, ये 20 रुपए रखो। हाँ अभी बस, अभी चलो आप भी। हाँ, क्या देख क्या रहे हो? ये ईश्वर से तो बड़े नहीं ना हो आप? राम 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 राम। अरे मैं तो ईश्वर का औजार हूँ और बस। हाँ गप्पा बसा, मैं ही बेवकूफ था जो आप पे भरोसा करके अंधविश्वास को बढ़ावा देता रहा। लेकिन अभी बस बहुत हो गया, अभी नहीं, अभी जाइए आप। लेकिन अन्ना साहब मैं। अभी जाइए ना, आपके सामने कचरा करूँ क्या आपका? हाँ दे बाबा, दे दे। अरे परमेश्वर क्षमा करना है, वो जरा, अरे बाप रे बहुत देर हो गई। वो प्राजक्ता और उसके पिताजी अनिमेश आ जाएंगे अभी। खामखा फालतू में बुला लिया मैंने उनको जल्दबाजी में। पर अभी देखो, अभिषेक को आज राह दिखाना है, और हो सके तो मुझे महेंद्र भाव को समझाना अभिषेक को अपना दामाद बनाने के बारे में। नहीं नहीं, सही सही, वो महेंद्र भाव के बारे में मैं बाद में आऊंगा आपके पास फिर से नया नारियल लेके। पहले अभिषेक प्राजक्ता के लिए ना भूल दे, ऐसा कुछ कर दो ना भगवान। करेंगे ना, है कि नहीं? बोलो हाँ, मतलब मेरे मन में आके हाँ बोल देना। हाँ। ना निर्मिति भारती तैयार हो गई ना तुम दोनों? आ गई हूँ। हाँ वाह वाह वाह, और बाकी सारी तैयारियां भी हो गई ना? हाँ ये सारी तैयारियां हो गई। हाँ। है अगर आज ये रिश्ता पक्का हो जाता है तो फिर ये नारियल, ये शगुन का कवर। हाँ और अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता है ना तो सगाई के दिन हम समझियों की खिंचाई का कार्यक्रम भी रखेंगे सासू भाई। हाँ हाँ, लेकिन पहले रिश्ता पक्का। मैंने तो तैयार भी करके रखा है सासू भाई, देखिए। हमारे समधी महेंद्र बाबू उदास होके बोलेंगे, विदाई विदाई होगी, विदाई 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 होगी, विदाई। उर्मिली अपनी डिग्री गायत्री ससुराल चली जाएगी तो हम दोनों। वही नहीं। हाँ? क्या कर रहे हैं आप? और आगे है निर्मिति, रुक ना तू। फिर उर्मिला वही नहीं बोलेगी। हाँ? ओ महेंद्र आप क्या फूट फूट के रो रहे हैं? देखो देखो कैसे देख रही है घूर घूर के अपने गायत्री की होने वाली सास की बड़ी बहन। क्या है उसका नाम? हाँ प्यार झुकता नहीं बहन। ओहो उर्मिली, प्यार झुकता नहीं नहीं, संजुकता संजुकता। हाँ भाई हाँ, अभी सेम टू सेम अवे, दोनों में झुकता तो आता है ना,
आप भी क्या बाल की खाल निकाल रहे हो, वो भी सगाई के दिन? बस भारती बस। अब अगवी क्या हुआ, मैं कुछ गलत बोली? अभिषेक की सगाई अगर प्राजक्ता के साथ होगी तो गायत्री के माता पिता हमारे समधी बनेंगे कि अनिमेश भाऊ। आई आज सुबह से ही थोड़ी कंफ्यूज है वहीं, आपको तो पता है ना। अरे बाप रे, तांदूल पण कमी आहेत, लेके आने पड़ेंगे, खाने की तैयारियां करनी है। रुको तुम दोनों, मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है तूने निर्मिति? नहीं नहीं सासू भाई, निर्मिति तो हमेशा कहती है हमारी सास कैसी लोमड़ी है। मुझे शातिर है आप, आई अकलमंद। हाँ, और मेरी अकल ये बोल रही है कि तुम दोनों अभिषेक के लिए गायत्री को लेकर कुछ बात सोच रहे थे, है ना? दोनों ने जवाब नहीं दिया। अगर भाई 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 निर्मिति, हम दोनों तो पकड़े गए, सासू भाई सब जान गए। क्या कर रही है आप वहीनी? सासू भाई सब जान गए मैं, ये कैसा इशारा हुआ? ये तो मरने का इशारा है ना? हाँ, मरती है तो जान जाती है ना, तो ये जान गई का इशारा था। सासू भाई सब जान गई। चुप रहो तुम दोनों, मैंने मना किया था ना कि ये ख्याल भी दिमाग में मत लाना। लेकिन ये ख्याल तो अभिषेक के मन में घुस चुका है आई। हाँ, इसलिए तो कल रात हम बात करने गए थे अभिषेक से, ताकि उसके दिल में क्या है वो हमें बता दे। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग दोनों? और अगर ऐसा है तो क्या कहा अभिषेक ने? उसने कहा कि कल सवेरे तक बता देगा, वो खुद से पता करेगा कि उसका दिल क्या चाहता है। और ये बात तुम लोग मुझे अभी बता रहे हो? अरे बुलाओ अभिषेक को, कहाँ गया है वो, बुलाओ। और गायत्री के बारे में वो क्या सोचता है पता करो। बरबर ए अभिषेक, गायत्री के बारे में तेरे मन में क्या है सासु भाई? पूरी दुनिया को नहीं बताना है कि उसके दिल में गायत्री के लिए कुछ है। मैं क्या करूं इसका निर्मिति? मैं संभालती हूं। वहीनी अब प्लीज शांत रहिए। बराबर। और मैं जाके देखती हूँ कि अभिषेक है कहाँ। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी। हाँ। अनिमेश भाऊ और प्राजक्ता के आ जाने से पहले अभिषेक को बोलो अपने दिल से पूछे कि वो आखिर चाहता क्या है, वरना अगर तेरे अण्णा आ गए इधर और उनको पता चल गया तो पता नहीं आज क्या होगा। देवा, केशव दादा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, मंदिर है ना बड़ा, तो प्रार्थना करने आया हूँ तेरे लिए, तेरा प्राजक्ता के साथ रिश्ता ऐसे अच्छे से हो जाए। अच्छा, ऐसे छुप छुप के दबे पाव आ गए आप मेरे लिए प्रार्थना करने, है ना?
वो क्या है ना अन्ना, अन्ना निकले है ना मंदिर आने को, अभी बोला ना घर पे प्रभाकर दादा ने मंदिर आए अन्ना। हाँ पता है, है ना, तो वो मुझे यहाँ देख लेंगे ना बड़ा तो भड़क जाएंगे। क्यों, मंदिर आना तो अच्छी बात है दादा, उल्टा वो तो खुश हो जाएंगे। बरोबर है, लेकिन मेरे किस्से में उल्टा है। क्या वो क्या है ना, मैं बहुत कुछ मांगता हूँ ना भगवान से कि हे भगवान दुकान बिकवा दे, मुझे मेरा हिस्सा दिलवा दे, वाड़े में से ढेर सारे सोने के सिक्के दिला दे, निर्मिति को मस्त कैटरीना कैफ बना दे। दादा देखा तू हंसता है ना, अन्ना भड़कते हैं। हाँ मुझे कहते बढ़िया नालायक, भगवान से इतना कोई मांगता है, है? तू जा घर जाना बड़ा घर जा, अभी अनिमेश बाबू और प्राजक्ता आ रहे होंगे, जा। पर दादा मुझे अन्ना से जरूरी बात करनी है। अन्ना साहब तो गए, अभी भी घर गए? अभी गए जी। अच्छा ठीक है थैंक यू, मैं आता हूँ दादा। हाँ थैंक यू। सावकाश आ रहे? हाँ वो पंडित जी, वो उसको देखा? किसको? अरे वो ढोंगी फेकड़ा, वो अरे वो चेहरा देख के भविष्य बताने वाला, वो नाटक करता ना, वो टिका बिका करता है, क्या नाम उसका? आप शायद इनकी बात कर रहे हैं, वो आपके पीछे ही खड़े हैं। अभिषेक, गायत्री तुमने अन्ना को घर जाते हुए देखा क्या? नहीं, क्यों, तुम्हारी अब तक उनसे बात ही नहीं हुई? नहीं, वो फोन भी लेके नहीं गए अपने साथ। तो फिर जल्दी से पता करो कि अंकल कहाँ है और उन्हें बता दो कि हम दोनों साथ में गार्डन में थे। हाँ। अगर उन्हें अनिमेश अंकल से पता चलेगा तो सॉरी एक मिनट, निर्मिति वहनी? हाँ वहनी। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? तू है कहाँ अभिषेक? वहनी दो मिनट में आता हूँ घर पे। देख मुझे तुझसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। वहनी प्लीज दो मिनट दीजिए ना प्लीज। अरे लेकिन यहाँ पे सब स्विच ऑफ। अरे तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले दो मिनट तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब